भजन संहिता अध्याय 79। हे परमेश्वर, अन्य जातियाँ तेरे निज भाग में घुस आईं, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर बना दिया है। उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल के समान बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई, चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझ में आग की सी जलन कब भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वास स्थान को उजाड़ दिया है। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ा कर हमारे पापों को ढांप दे। अन्य जातियाँ क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। बंदियों का कराहना तेरे कान तक पहुँचे। घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है, उसका 7 गुना बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। आमीन।